ओके प्रवीण ने सवाल पूछा है हटको पर 3500 शेयर इनके पास 87 पर और पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन 1157 पर। हटको में तो आज खबर भी है, सरकार ओएफएस कर रही है, आज नॉन रिटेल के लिए खुला हुआ है, 79 का प्राइस रखा है। हटको दिखाइए पहले, क्या करना चाहिए राहुल जी हटको में अगर किसी के पास है तो, इससे कोई फर्क पड़ेगा इस न्यूज से? सर मुझे लगता है कि डेफिनेटली इम्पैक्ट तो रहेगा न्यूज का, और जिस तरीके से आज एक इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और स्ट्रक्चर जो जो अच्छा खासा पॉजिटिव था वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है। फर्दर डाउनसाइड हम जब देखते हैं तब 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज जो कि बैठता है 76 रुपीज के आसपास, वो अगला एक बड़ा सपोर्ट पॉइंट है। अगर इसी मार्केट ट्रेंड या फिर जिस तरीके का फॉल आज हमको देखने को मिला है आने वाले सेशन में अगर कंटिन्यूड होता है और 76 का लेवल ब्रेक होता है, मुझे लगता है स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जहां 70 रुपए के भी नीचे स्टॉक जा सकता है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा आप इंतजार करें, अगर यहां से कोई बाउंस बैक मिलता है तो यहां से एग्जिट लें, और क्योंकि जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं अगर वीक होता है तो काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। सेकेंडली पीसीबीएल की बात करूं तो यहाँ पे काफी अच्छी बढ़त है, स्टॉक्स का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही शानदार बना हुआ है। हमने लगातार इस महीने में देखा है अक्टूबर महीने में कि एक बहुत अच्छी बढ़त के साथ में स्टॉक बना हुआ है, वॉल्यूम्स भी बहुत शानदार हैं, और आज जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है इसने 205 रुपए के ऊपर, अब देखना होगा कि अगर 205 रुपए की ऊपर क्लोजिंग आती है तो पीसीबीएल में यहाँ से काफी अच्छा रूम अवेलेबल है ऑन दी हायर साइड जाने के लिए। अगर इस मौजूदा स्ट्रक्चर पे अगर हम सपोर्ट अगर देखें तो वो बैठता है 198 रुपीज पे। मेरा मानना है 198 रुपीज के साथ में आप होल्ड करें अपनी पोजीशन फॉर द टारगेट लेवल ऑफ 225 टू 230 इन पीसीबीएल। 230 तक के टारगेट हो सकते हैं। त्रिदीप साहब बंधन बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, 100 शेयर्स हैं इनके पास, 250 के प्राइस पे लिए हैं, व्हाट इज द टारगेट प्राइस इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, 3-4 महीने में कहां जाएगा ये? देखिए नीरज जी, मेरा मानना है कि स्टॉक में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी और ये जुलाई अगस्त के महीने में हमने इसमें काफी अच्छे मूव्स और मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ देखा था, जहां पे स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में करीबन 256 रुपए के आसपास एक अपना रीसेंट हाई बनाया था। अब पिछले 3-4 सेशन में जिस तरीके से इसके अंदर एक हल्की गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे काम कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म के जो मूविंग एवरेजेस हैं वो वहां पे कहीं ना कहीं वीक साइन शो कर रहा है। अब फर्दर मोर अगर डाउनसाइड देखें तो 236-235 पे एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फर्दर इसमें और गिरावट आ सकती है जो कि स्टॉक को करीबन 230-225 के लेवल तक ले जा सकती है। अगर ये स्टॉक और मार्केट के मोमेंटम के साथ में अगर यहाँ पे आपको बढ़त देखने को मिलती है और 244 का लेवल अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली इसमें एक चाल आपको देखने को मिलेगी जो दोबारा इसको प्रीवियस हाई जो कि 256 रुपए 257 रुपए उसके पास ले जाती हुई दिखेगी। तो मेरा मानना है आप थोड़ा सा होल्ड करें, बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर से जैसे ही इसमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो आपको एक दोबारा इसमें डेफिनेटली एक रिबाउंड और एक ऑन दी अपसाइड आपको मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ दिखेगा। यानी अगर इसमें ऊपर जाए तो बेच के निकले आप ये कह रहे हैं, राइट? जी सर, अगर ऊपर जाए क्योंकि मार्केट का जिस तरीके से अभी तक मोमेंटम है, अगर ऑन दी अपसाइड अगर जाता है स्टॉक तो डेफिनेटली एक मौका मिलेगा आपको यहां से एग्जिट लेने के लिए। अगर 255 के ऊपर टिकता है तो वहां पे डेफिनेटली एक बार रिव्यू आप दोबारा लें, मार्केट पोजिशन के हिसाब से अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, इसको स्क्वायर एग्जिट लें तो फिर क्या लें? सर एग्जिट लेने के बाद में सर मुझे लगता है कि जैसा आप भी शो की शुरुआत में बोल रहे थे कि वहां पे एक अच्छे मौके स्मॉल कैप और मिड कैप में शामिल हो रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है सर जो कि एक कंपनी है कैप्टन पाइप्स लिमिटेड, ज्यादा डिस्कस नहीं होती क्योंकि बीएससी लिस्टेड है। वहां पे सर उस कंपनी में यूपीवीसी की पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़े एक 6 एडजेसेंट इंडस्ट्रियल प्लॉट्स खरीदे हैं अपने एक्सपेंशन को लेके, और मेरा मानना है कि जिस तरीके से अभी तक इसका जो सेटअप बैठा है वो काफी आउटलुक इसका पॉजिटिव बना रहा है, प्रमोटर भी अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस शो करता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर पर देखेंगे तो एक लंबे कंसोलिडेशन में था और मुझे लगता है कि यहां से अब जो इसके अंदर जो डाउनसाइड रिस्क है वो काफी कम बची है, तो बहुत ही अच्छा मौका है इसमें एंटर करने के लिए। 21 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप अपनी पोजिशन बना सकते हैं कैप्टन पाइप्स लिमिटेड में, टारगेट रहेंगे 26 रुपए के मीडियम टर्म में। जी अच्छा, चलिए बातचीत करते हैं LTTS की, जिसका रिजल्ट आया था। कंपनी के मैनेजमेंट MD एंड CEO अमित चड्ढा जी हमारे साथ जुड़े। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 3.7% बढ़ी 2387 करोड़ रुपए, वही डॉलर रेवेन्यू में भी 2.9% की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी के नतीजे तो इनलाइन है लेकिन आगे कंपनी अपने गाइडेंस में नरमी रहने की बात स्वीकार की है। बातचीत करते हैं कंपनी के MD एंड CEO अमित चड्ढा जी से। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नतीजे तो इन लाइन थे, हम लोग जैसे सोच रहे थे बिल्कुल वैसे ही नंबर आए हैं, लेकिन
गाइडेंस आपने कम कर दिया है, तो क्या आगे जाते हुए आपको कुछ दिक्कतें दिख रही हैं क्या? ओके, सो सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को, राइट? तो इस बार जो हमारा क्वार्टर रहा, जैसे आपने कहा, क्वार्टर काफी अच्छा रहा। 3.2% का ग्रोथ रहा सिक्वेंशियल। प्रॉफिट्स भी जो हैं, अगर आप देखेंगे तो वो 5% ईयर ऑन ईयर अप हैं, 315 करोड़ पर, राइट? वेज इंक्रीज देने के बावजूद हमारा जो ईबिट मार्जिन है वो 17.1 रहा। जो हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है आगे के लिए वो ये है कि हमारे पास 7-10 मिलियन प्लस के डील विंस रहे, जिनमें से 6 जो हैं वो अराउंड 20 मिलियन ईच के रहे, राइट? एंड नॉट ओनली दैट, जो तीन आप हमारे जो अक्टूबर देखेंगे आप, 2 हफ्ते में हमने 3 और डील साइन किए हैं। एक जो है वो 10 मिलियन प्लस का है ग्लोबल मेजर के साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए, और 2 जो हैं वो 20 मिलियन प्लस के डील हैं, अगेन ग्लोबल डील्स, जिस तरह से हम उनको क्वांटिफाई करते हैं। हमें काफी कॉन्फिडेंस है, जैसे हम देख रहे हैं जैसे गति है डील्स की, और जितने हमारे डील्स हैं, हमने 17.5 और 18.5% अपना गाइडेंस दिया, रिवाइज किया है। दैट इज कीपिंग इन माइंड जो आजकल ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं, उनके मद्देनजर रखते हुए किया है, बट वी आर फेयरली कंफर्टेबल एंड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये लाइन जो है ना आईटी कंपनीज बहुत यूज़ करती हैं, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, और इसको लेकर के हम लोग बहुत चौकन्ने हो जाते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक साथ बड़ी मुश्किल होती है। तो मुझे ये समझाइए कि क्या यूएस में जिस तरह से रेट राइज हो रहे हैं और बहुत सारे टेलीकॉम बैंक के फसाई में दिक्कत चल रही है, अब तो रिटेल में भी कह रहे हैं कि सेंटिमेंट उतना अच्छा नहीं रह गया है, तो क्या इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये आपने बोला? जी, ऐसा है कि अभी अगर आप देखेंगे ग्लोबली, अगर हम देखें, जब हम अप्रैल में ईयर में स्टार्ट हुए और हम आज देखें, तो एक तो ये जो नए जो जो इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, एक वो नहीं थे, और उनका क्या रैमिफिकेशन होगा वो थोड़ा बहुत हमने उसको अकाउंट किया है, नंबर 1। नंबर 2, रेट्स बढ़ने के चलते जो डिसीजंस हैं अराउंड न्यू एरियाज, वो लोग थोड़ा सा उसको इलोंगेट कर रहे हैं। सो वी हैव टेकन इनटू अकाउंट बोथ दीज थिंग्स। हमारा कोई क्लाइंट स्पेसिफिक इशू नहीं है, इनफैक्ट हमारा जो डील पाइपलाइन है दैट इज बिगर एंड बेटर एज कंपेयर्ड टू जो हमारा लास्ट ईयर सेम टाइम होगा। बट हैविंग सेड दैट, वी हैव टू बी कॉशियस, लाइक आई सेड, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये इंटरेस्टिंग था। अच्छा, एक चीज और चढ़ा से आपसे समझना है मुझे, ये जो मिडिल ईस्ट में इस समय एक बड़ा तनाव का माहौल बना हुआ है, तो बहुत सारी कंपनियों को, बिजनेस एनवायरनमेंट को एक अनसर्टेनिटी का माहौल लगता है। हमने देखा था इससे पहले जो वॉर सिचुएशन यूक्रेन में हुई थी उसकी वजह से भी दिक्कत आई थी। बिजनेस एनवायरनमेंट के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस तरीके की घटनाओं को आप लोग कैसे देख रहे हैं और इसका क्या असर हो सकता है? सी, देखिए, आई डोंट कमेंट ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट, बट आप ये देखिए कि इसके चलते देयर इज एन अनसर्टेनिटी दैट इज स्टार्टिंग अप। अगर हम लास्ट ईयर की यूक्रेन वॉर को देखें, सप्लाई चेन्स गॉट डिसरप्टेड। मैं जान माल का विनाश की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो है ही है, राइट? बट अगर आप देखें तो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुए, प्रोडक्शंस जो हैं वो इम्पैक्ट हुए, इंजीनियर जो काम किया करते थे रशिया यूक्रेन बेलारूस में, उन सबको, उनका काम जो है वो बंद हो गया, वो सारा काम इंडिया, लॉट ऑफ दैट वर्क केम टू इंडिया, राइट? तो ये डिसरप्शन जो क्रिएट होता है इसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, राइट? अगेन, मैं जान और माल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जरूर, हमारी तो दुआ है कि सब ठीक हो जाए, वट एवर इज देयर, बट ये जो डिसरप्शन है इसके चलते डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होता है जरूर, राइट? एंड दैट क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ रफल्स। बट मैं लॉन्गर टर्म देखूं, मैं आपको 2 नंबर दूंगा, जो लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है, तो ग्लोबल ER&D स्पेंड जो है अभी $280 बिलियन की है। इट इज एक्सपेक्टेड टू गो टू अबाउट $700 बिलियन इन 2030। इंडिया में जो है ये ग्लोबल ER&D के जो आउटसोर्सिंग है, इंडिया में $45 बिलियन इंडिया में आ रहे हैं आज की डेट में। रिपोर्ट ये कह रही है ये $45 बिलियन जो है वो 2030 में
अबाउट 150 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा, 3x इन 7 ईयर्स. सो द इम्पैक्ट, द एडवांटेज, द जो हमारा जो अभी अगर हम देखेंगे जो एडवांटेज है इस इंजीनियरिंग फील्ड का, ये अभी भी एक्सपेंशन इसमें बाकी है. सो आई एम फेयरली कंफर्टेबल राइट नाउ, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये क्वार्टर, अगला क्वार्टर, क्वार्टर अच्छा हुआ राइट, वो तो जरूरी है, वो तो रिपोर्ट कार्ड है, आपको टिक मिला रहा है राइट, वो हो गया. बट अगर मैं देखूं, आई एम फेयरली कंफर्टेबल एज वी मूव फॉरवर्ड. और हम इसीलिए इन्वेस्टमेंट जारी रख रहे हैं, हमने टोटल 2000 फ्रेशर में से मोर देन 1000 फ्रेशर हमने ले लिए हैं, बाकियों के ऑफर्स जो है हम नेक्स्ट 2 क्वार्टर में उन्हें ऑनबोर्ड करेंगे पर आर प्रोसेस. अगले साल के फ्रेशर्स की बात हो रही है कि कितने लेने हैं, तो वो जारी रहेगा इंजन. बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज वी नीड टू बी करेंट. हमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा, लेटेस्ट एरियाज देखने पड़ेंगे क्या है, और उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें देख के कहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं कि नहीं. सो दैट इज द की एज वी मूव फॉरवर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अमित जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि ER&D का जो स्पेंड है, जो बिजनेस है इंडिया का, वो 3x हो जाएगा 2030 तक. ये काफ़ी बड़ी बात आपने बताई, और इस रिपोर्ट को डेफिनेटली उन लोगों को पढ़ना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. LTTS नतीजा अनुमान के मुताबिक, लेकिन एक सावधानी के तौर पर आगे के गाइडेंस में थोड़ी सी कटौती की गई. छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे. स्वागत है एक बार फिर से, और आज हम राहुल जी से सवाल जवाब कर रहे हैं. हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं उन पे हम जवाब लेते हुए कोशिश कर रहे हैं. अंकित चौहान का सवाल ले लेते हैं, और एक सेकंड. हाँ, L&T हाउसिंग फाइनेंस 400 शेयर हैं 100 रुपये के भाव पर, क्या करना चाहिए सर? राहुल जी, सर ऑलरेडी काफी अच्छे इनको रिटर्न्स मिलते आ रहे हैं, और जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं पे भी ऐसे नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं. मेरा मानना है कि इनको और आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इतनी बढ़त ऑलरेडी इनको गेन्स मिल चुके हैं, तो 132 रुपए पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस करें और अपनी ये जो पोजीशन है उसको होल्ड रखते हुए डेफिनेटली बने रहे. ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है ये स्टॉक आपको मीडियम टर्म में करीबन 160-165 तक जाता हुआ दिखेगा, तो डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए. ओके, सौरभ मलिक के सवाल फटाफट लेते हैं. 100 शेयर है अमर राजा बैटरीज के, प्राइस है 659, क्या करूं? सर देखिए, वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, और स्टॉक जो अभी जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 6 से 7 सेशंस में देखने को मिला है, ऑन दी हायर साइड 666 रुपीज के आसपास एक माइनर हर्डल है. अगर वो पार होता है तो डेफिनेटली इनको एक चाल मिलेगी जो कि स्टॉक को 700 प्लस के लेवल तक ले जा सकती है. ऑन द डाउन साइड बहुत ही कम लगता है मुझे, 630 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मौजूद है, तो मेरा मानना है कि 630 के सपोर्ट के साथ बने रहे. जैसे ही स्टॉक आपका 650-655 के लेवल्स को पार करेगा तो वहां से एक अच्छी चाल टूवर्ड 700 देखने को मिल सकती है, तो इसमें बने रहे. और साकेत जी ने सवाल पूछा है, यूको बैंक पर क्या राय है आपकी? 1000 शेयर है 43 रुपए 23 पैसे पे, और अशोक लेलैंड है 2000 शेयर 181 रुपए 87 पैसे. सर सबसे पहले बात करते हैं यूको बैंक की. देखिए 40 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक बहुत अच्छे स्विंग के बाद में वीकली बेसिस हमको देखने को मिला था कि काफी अच्छी चाल इसमें देखने को मिली थी करीबन सितंबर महीने के मिड में. वहां से डेफिनेटली एक इसमें एक कंसोलिडेशन और एक हल्का सा करेक्शन देखने को मिला है. मौजूदा स्तर पे अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. अगर मुझे लगता है 40 रुपए के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग मिलती है तो फर्दर डाउन साइड ये स्टॉक करीबन आपको 36 रुपीज तक की चाल दिखा सकता है. तो मेरा मानना है अब इस स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देके रखें, 40 रुपए के अगर ऊपर क्लोजिंग नीचे क्लोजिंग मिलती है तो वहां से डेफिनेटली इनको एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा इसमें 36-35 रुपीज तक डाउनफॉल इसमें देखने को मिल सकता है. बात रही अशोक लीलैंड की, जो करीबन 178 के आसपास काम कर रहा है, स्टॉक में एक मेजर करेक्शन देखने के बाद में एक दोबारा से एक रिवाइवल देखने को मिला है, और अभी जिस तरीके से इसमें हाल ही में अभी एक नया बॉटम बना है, मुझे लगता है कि वो ब्रेक नहीं होगा, तो जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 170 रुपए के आसपास. और ऑन दी अपसाइड जैसे ही स्टॉक 180-181 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम इसमें बिल्टअप होगा जो करीबन 190 तक इसको ले जा सकता है. तो मेरा मानना है 170 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें बने रहें. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले
सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।